तो आज की क्लास में हम गूगल सीट के अंदर वी लुकअप का इस्तेमाल करें। देखिए, मेरे पास एक डेटा है, मैंने ऐसे डमी डेटा बनाया है जिसमें आईडी है, नेम है, सिटी है, कोर्स है और अमाउंट है, ये चीजें। अब यहाँ पे क्या है कि वो पूरा ओवरऑल डेटा डला हुआ है, लेकिन वीएल के ऊपर कुछ सिलेक्टेड मेरे पास आईडी है, उन आईडी का मुझे रिकॉर्ड निकालना है। अब वी लुकअप इस्तेमाल ना करूं तो मुझे डेटा में जाके एक एक करके सर्च करना, राइट। समझ गया। तो यहाँ हम इक्वल वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर वो अपना रेंज में डेटा में आएंगे और डेटा का पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे। सेम ए से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। कॉमा, अब ये मुझे चाहिए कौन सा बी कॉलम का चाहिए, तो 2,0, 04 एग्जैक्ट मैच। देखिए मोहन आ गया, तो 101 पे आप देखेंगे मोहन है, मोहन आ गया। अब मुझे सिटी चाहिए, तो मैं वापस यहाँ पे वी लुकअप लगाऊंगा। हम यहाँ पे सर्च करेंगे, सिलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू, उसके बाद अपना डेटा रेंज पे आएंगे। डेटा रेंज की स्टार्टिंग ध्यान रखिएगा, शुरू कीजिए कहाँ से, आईडी से ही शुरू होगा। तो ए कॉमा बी कॉमा सी, तो मुझे इस बार सी चाहिए, तो तीन तीसरे नंबर पे 1 2 3 तीसरे नंबर पे। हाँ अरे वीलू का तो इस्तेमाल किया होगा ना सर, हाँ एक बार में कहाँ सारा से। भी लग सकता है सर, अब एक ये एक चीज करके होगा, लगाने की भी हाँ जरूरत। वही चीज मैं बता रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम होती है जो हेडिंग ऊपर दिख रहा है ना सर आपको, हेडिंग में, मतलब कि अभी चलो तीन चार है तो आप लगा लीजिए, लेकिन ज्यादा हुआ तो उस केस में कई सारे तरीके हैं। पहला पहला अलग अलग तरीके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ठीक कि आप है एक रो इंसर्ट कर दे और आपने कॉलम नंबर के यहाँ पे टाइप कर दे 2 3 4 5, ठीक है। उसके हाँ बाद वी लुकअप लगाएं, हाँ तो वहां भी तो लेना पड़ेगा ना। वी लुकअप, हम रेंज को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, डेटा में जाते हैं, डेटा को सेलेक्ट करते हैं। अब जहाँ पे ये हमारा कॉलम नंबर आ रहा है ना, कॉलम नंबर जहाँ पे मैनुअली लिखा था 2 3 4, उसके जगह पे हम वीएल सीट का ये 2 ले लेते हैं, यानी कॉमा 0 कर देते हैं। अब मुझे आगे ड्रैग करना है, तो ड्रैग करने से पहले हमें करना होगा फ्रीज। तो हमने ए को फ्रीज किया, फिर ए ई को फ्रीज किया, फिर हमने B1 के 1 को फ्रीज किया, ठीक है, और फिर आगे के तरफ ड्रैग कर दिया। तो आप देख सकते हैं पूरा डिटोर आ गया। ये वाला मैं थोड़ा सा समझा नहीं सर। कुछ किस समझना गया है इसमें, वी लुकअप में मैनुअली जो 1 2 3 लिखते थे उसके जगह पे हाँ मैंने इसका सेल लिंक दे दिया और ऊपर लिख दिया हुआ है ए B1 के ऊपर, इसे B1 से लेगा, C1 से लेगा। हाँ, ड्रैग करने से पहले फ्रीज करना होगा, ताकि फ्रीज करके ड्रैग होगा ना सर, समझे कि नहीं सर। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ। डी लुकअप लगाया आपने, इसको ले लिया, ठीक है। फिर डेटा में आप उधर जाके ठीक देखिए सेम चीज सब कुछ है। सेम था, जो नॉर्मल वी लुकअप लगाते हैं ना उसमें मैनुअली 2 हाँ देते हैं ना, यहाँ पे 2 दिया ना हमने, तू दिया है क्यों दिया 2। तो दूसरे नंबर बताइए। हाँ, तो हर सिटी के लिए अलग नंबर है ना। अब जरूरी नहीं कि हाँ सीक्वेंस में हो सकता है कि अगर आप 40-50 कॉलन हो तो 40-50 में से आपको 10-15 चाहिए, अब सबका ऑर्डर अलग हो क्या, तो यहाँ हाँ मैनुअली एक एक करके लगाएंगे। उससे अच्छा है कि जितने भी कॉलम नंबर है आप ऊपर लिख दें, ठीक है। और वी लुकअप ठीक है लगाते समय जहाँ पे हमने मैनुअल लिखा था 2, जैसे यहाँ पे मैनुअल 2 हमने लिखा था ना, अच्छा, ठीक है, उसमें सारा सेलेक्ट कर लूँ। हाँ इस मैनुअल में मैं ऊपर को सिलेक्ट कर लिया, किसको सिलेक्ट कर लिया, B1 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है फिर इसके बाद फिर इसको फ्रीज वगैरह करके ड्रैग कर दिया, जब ड्रैग करेंगे तो C1 को लेगा, ये हमारा D1 को लेगा, ये हमारा E1 को लेगा, ये 5 वन नंबर का को फ्रीज 5 ही, कर देना जी हाँ फ्रीज करना है, क्योंकि नीचे ड्रैग करेंगे तो 2 नहीं होना चाहिए ना सर। अगर मान लीजिए हाँ इसके नीचे ड्रैग करेंगे तो अगर हम फ्रीज ना करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना सर, समझे। ये 1 रहा ना, अगर 2 हो गया तो फिर नीचे सिटी देख लेगा ना, गड़बड़ हो जाएगी, इसे 1 को फ्रीज कर, गया। समझ गए। अब एक चीज और आता है, जैसे कि हमने देखा कि इसका सीक्वेंस सीक्वेंसली है और डेटा का भी सीक्वेंसली है, और डेटा भी हमारा कॉलम ए से स्टार्ट है, राइट।
हाँ ठीक, तो यहाँ ऊपर एक लाइन ना स्टोर करके हम कॉलम का फॉर्मूला देते, वी लुकअप हमने इसको लगाया, रेंज में गए, रेंज में जाने के बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला दिया कॉलम किसका, और कॉलम फॉर्मूले में हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। तो कॉलम फॉर्मूला क्या करता है, कॉमा जीरो कर दीजिए। कॉलम फॉर्मूला अगर मैनुअली आप लगाते हैं कॉलम फॉर्मूला, तो कॉलम फॉर्मूला जिस कॉलम को सेलेक्ट करोगे उसका कॉलम नंबर देता है, और हमें वी लुकअप में ही तो डालना है, तो क्यों ना हम वी लुकअप लगाते समय ही कॉलम का नंबर दे दें, समझे सर? समझ सर आपको कि नहीं? ठीक है, वही देख रहा सर, यही लिया आपने, फिर कॉलम का फॉर्मूला लगाया, फिर कॉलम में आपने कॉलम कॉलम ओनली सेलेक्ट कर लिया है ना। आप डेट नहीं, डेटा के अंदर पी ऑन को सिलेक्ट कर दिया, डेटा के अंदर तो नेम हमारा पी पे है ना, तो पी ऑन सिलेक्ट कर, P1 को किया है आपने, मतलब खाली हाँ वाले को कोई किया एक है। जोड़ी नहीं कि पूरा कॉलम सिलेक्ट करना, कोई एक सेल भी सिलेक्ट करते हैं तो सेल का कॉलम नंबर दे देता है। तो ये जो B1 जो लिया है आपने पिछली डेटा से लिया है ना। हाँ डेटा हाँ से लिया डेटा है। से, ठीक डेटा है ठीक शीट से, क्योंकि है ठीक है, डन डन। हाँ हमें कॉलम नंबर तो डेटा शीट का देना है ना, इससे यहाँ पे क्या उसे क्या लेना देना है, हाँ डेटा हाँ शीट में हाँ किस पोजीशन पे, आप फ्रीज कर दिया और आप इसको ड्रैग कर दीजिए, आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए कि एक ही बार में सारा चाहिए, तो वी लुकअप लगाते हैं, और लगाने के बाद हम इसको डेटा को सेलेक्ट करते हैं, और कर्ली ब्रैकेट में 2, 3, 4, 5 लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके 0 करके एंटर प्रेस करते हैं। हाँ तो मैं ऐसे ही करता हूँ, हाँ तो लेकिन एंटर प्रेस करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस शिफ्ट। करेंगे, हाँ सॉरी नहीं कंट्रोल शिफ्ट सेलेक्ट एंटर। करेंगे, हाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट हाँ एंटर, नहीं हो रहा, फिर एंटर करिए, एक बार ये एंटर, एक बार कर दिए, ओनली एंटर करिए, हो हाँ एक बार गया ना। आ गया। ठीक है सर, लेकिन इसमें तो क्या मैं है, यही यही वाला इसमें यूज करता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि किसी एक को डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, डिलीट नहीं हो रहा, हाँ चेंज डिलीट होगा नहीं हो डिलीट रहा होगा तो आपका पूरा फॉर्मूला होगा, एक कोई एक पर्टिकुलर सेल नहीं होगा, ठीक है। अगर लेकिन क्या किसी सेल से लिंक ले सकते हैं, अगर मैं लिंक करना चाहूँ, हाँ सेल से लिंक होगा हो वो कर जाता है, सकते, हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरा कॉलम चेंज होता रहता है, अभी कभी क्या है, अभी मान लीजिए मुझे मिला है कि मुझे नेम कोर्स अमाउंट चाहिए, ठीक है, कल के डेट में कोर्स की जगह पे सिटी हो सकता है या अमाउंट की जगह पे नेम हो सकता है, क्लियर हाँ सर, मतलब कि फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो कैसे करें, तो हमारे पास इंडेक्स एक मैच। नहीं मैच बीनू का मैच है, हमारे पास मैच का फॉर्मूला होता है, मैच फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, मैच हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चलता है, ध्यान रखिएगा, तो मैच फॉर्मूले को हम लिए और डेटा में चले गए, डेटा में जाने के बाद हमने इसमें लिया और कॉमा 0 कर दिया, तो ये बता देगा कि कॉलम नंबर, ये जो नेम है कितने नंबर पे, कल के डेट में नेम की जगह पे सिटी हुआ, ये अपने आप को चेंज कर देगा, तो क्यों ना वी लुकअप में हम इसका इस्तेमाल करें, किसमें करेंगे, वी मैच लुकअप, में भी वी लुकअप लुक अप मैनुअल, है, पहले सारा जी सेलेक्ट कर लिया, जी हम मैनुअल 2 देता हूँ फिलहाल, कॉमा 0, कॉमा मैच। और ये जो मैच का फॉर्मूला है हम इसमें लगा देते, क्या मैच कॉपी का आपने करेंगे, पेस्ट लगाया है कहाँ? अच्छा आप पेस्ट, पेस्ट करोगे। और ड्रैग करने से पहले हमें ए को फ्रीज करना होगा ताकि ए बी न बन जाए, ए यू को फिक्स करना पड़ेगा, बी 10 का 10 फ्रीज करना पड़ेगा ताकि 11 ना बन जाए, 1 by 1 को फ्रीज करना होगा ताकि 2 by 2 ना बन जाए, ठीक है। ठीक है यार, तुमने जो फ्रीज किया ना उसको मुझे देखना पड़ेगा एक बार, एक बार में मेरे को समझ में नहीं आया, एक सर बार देखने बाद पता फ्रीज चलेगा। के लिए सिंपल सी बात जान लीजिए कि बिना फ्रीज किए हुए आप कीजिए या यहाँ ड्रैग, ड्रैग किए, अब ड्रैग में देखिए क्या चेंज हुआ, बी चेंज हो गया और ए बी चेंज हो गया, हमें दोनों चेंज नहीं होना आपकी चाहिए बात मैं था ना, समझ गया, बात तो समझ गया, बट मैं कह रहा जब मैं देखूंगा ना तब मेरे को एग्जैक्ट समझ में आएगा, अभी एक बार मैं नहीं मैं समझ पा रहा हूँ ये। जी हाँ, तो वी लुकअप के साथ जो हमने मैच लगाया वो समझ में आया आपको, हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार में वी लुकअप के साथ मैच नहीं लग सकता है, हाँ लगा जैसे इज सकते इक्वल टू हैं, वी लुकअप देखिए वो आप फिर मैच बनेगा। बेसिकली लगा सकते हैं, पर क्या है ना कि कॉम्प्लिकेट होने पे थोड़ा सा आप प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए मैंने एक साथ लगाया,
अलग अलग करके लगा के मर्ज किया है। कॉम्प्लिकेट कर देने पे आपको समझ में जल्दी नहीं आता है, इसे मैंने अलग पहले मैच को समझा दिया आपको, फिर वी लुकअप को समझाया, फिर वी लुकअप के साथ मैच को पेश कर दिया। अब आप इकट्ठा लगाना है तो आप इकट्ठा लगा लीजिए, और नहीं तो एक साथ लगा लीजिए, अलग अलग लगा लीजिए, आपकी च्वाइस है। ठीक है सर, समझ में आया आपको सर? तो वी लुकअप के साथ हमने मैच लगा दिया है, ठीक ठीक है। है, अब अगर मैं यहाँ से इसका कॉलम, जो भी कॉलम अगर इसका मैं चेंज करता हूँ, जी जैसे मैं तो नेम वो कर दिया, ऑटोमेटिक उसको जनरेट कर लेगा। देखिए नेम पुनीत आ गया। हाँ ठीक है। अब इसको नेम को अगर हम अमाउंट करते हैं तो, अमाउंट सिटी करते अमाउंट हैं तो, आएगा, अमाउंट आ जाएगा, सिटी कीजिए सिटी आ जाएगा। सेम हाँ इस तो पे यही भी मैं है कि करना मुझे चाहता हूँ। यहाँ पे कोर्स की जगह पे सिटी चाहिए, यहाँ पे नेम चाहिए, अमाउंट आ गया। ठीक है, हाँ ठीक क्लियर है? हाँ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं अभी तक तो नहीं है, अब बाकी मैं इसमें एक करूंगा तो एक्स फिर पता लुकअप का चलेगा। वी लुकअप की जैसा एक्स लुकअप का ही फॉर्मूला है। ठीक है, अब जैसे कि मुझे ये पूरा ठीक डेटा चाहिए तो इसको हम एक्स लुकअप से ला सकते हैं, एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप जो है वो जनरली क्या होता है कि इसमें आपको अलग अलग देना होता है। पहले आपको देना होता है लुकअप रेंज, मतलब कि जो 56 जो हमने लिखा है, या मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 156 लिखा है, इस 156 को किस में लुकअप करना है। तो एक्स लुकअप हमने लगाया, इसको सेलेक्ट किया और लुकअप रेंज में चले गए, चले गए। ठीक और मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ा कॉलन ए, कि मुझे कॉलन ए में लुकअप करना है। सॉरी गलत लगा लिया, एक्स लुकअप हमने इसको सेलेक्ट किया डेटा को और चले गए लुकअप रेंज में। हमने एक कॉलम दिया, जस्ट एक कॉलम, ठीक है, जिसमें हमारा 156 को लुकअप करना है। अब 156 आ जाता है तो वैल्यू किसको चाहिए? तो मान लीजिए मुझे वैल्यू में चाहिए नेम, तो फिर नेम को कॉलम को चेंज कर लीजिए। हमने लिख लिया सर, यहाँ पर रिजल्ट आ गया। अब देखिए एक्स लुकअप का फायदा कब होता है, जब ये आप दो तीन फायदे हैं। एक, जब आपने यहाँ पे लगाया हुआ है ए सीक्वेंस और आपके डेटा का सीक्वेंस बिल्कुल सेम है ना, तो फिर कॉलम हाँ नंबर देने का झंझट इसमें नहीं होता है। आप क्या करें, अपने लुकअप वैल्यू को कर दीजिए फ्रीज, जैसे ए फ्रीज कर दिया ताकि बी ना बन जाए, और लुकअप डेटा को, मतलब लुकअप रेंज को जिसमें हमें लुकअप करना है, ए तो फिक्स है ना कि एक आईडी में देना है, बी है ये चेंज होगा ना कि दूसरे कॉलम में सी हो जाए, तीसरे कॉलम में डी हो जाए, चौथे में ई हो जाए, इसको फ्रीज नहीं किया और इसको ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, क्या था ये वाला सर, एक बार मेरे को ये आया नहीं बढ़िया से समझ में। क्या दिक्कत, देखिए इसमें एक्स लुकअप आपने लगाया, ये लिया, उस वाली सीट पे गए, आपने डेटा सेलेक्ट किया ओनली ए वाले को, फिर आपने डेटा कॉमा में लगाया। ध्यान रखिएगा, डेटा में सेलेक्ट करना होता है कि आईडी जिस कॉलम में, सिर्फ उस सिर्फ वो कॉलम, वी लुकअप की तरफ पूरा डेटा सेलेक्ट नहीं होता। ओके, तो और ये फिर मैनुअल जिस कॉलम में करना। रिजल्ट चाहिए उस हाँ कॉलम को सेलेक्ट करना। एक्स लुकअप ठीक लगाने का सिंपल है, तरीका है कि क्या लुक क्या ढूंढना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लीजिए, किस कॉलम में ढूंढना चाहते हो उस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, और किस कॉलम का रिजल्ट शो करना चाहते हो उस कॉलम को सेलेक्ट कर, बस सिंपल। मतलब हम वी लुकअप पे दो ही चीज, दो ही बार लगाते हैं, इसमें 3 बार लगाना है। जी, वी लुकअप में कॉलम नंबर का झंझट होता है, इसमें कॉलम नंबर का झंझट नहीं। अब वो कॉलम ही सिलेक्ट कर लो जिस कॉलम का चाहिए आप। क्लियर है? इससे एक ठीक फायदा होता है कि जब ड्रैग हाँ करेंगे तो अब दो तीन चार तो नहीं बढ़ता है ना, लेकिन बी बढ़ के सी हो जाएगा ना, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा। जैसे मैंने इसको ड्रैग यहाँ किया तो ये देखिए बी की जगह पे सी हो गया, ठीक है, हाँ यहाँ डी हो गया, डी होना यहाँ ही पे ई हो गया। चाहिए। इससे ठीक है, क्या अब फिर नीचे ले बेनिफिट, आएंगे तो, नीचे तो मतलब नहीं, नीचे लाइए तो ये तो पूरा कॉलम ले लिए होगा ना, पूरा कॉलम लिए तो उससे नीचे नीचे ऊपर से कोई मतलब नहीं होता है उसको। नीचे की तरफ ड्रैग नहीं होगा। होगा क्यों नहीं होगा? देखिए ठीक है, समझ गए एक्स लुकअप। ठीक है, डन।
अब इसमें एक और बेनिफिट होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 56 तो एन ए आ गया। अब मुझे इस एन ए के जगह हाँ पे ब्लैंक करना है, तो हमें क्या करना होता है सर? इफ एरर, इफ एरर, क्या इफ एरर लगाना पड़ेगा ना सर? हाँ लेकिन यहाँ एक्स लुकअप में ऐसा जरूरत नहीं, एक्स लुकअप में इसी में कॉमा करेंगे तो यहाँ दिखेगा मिसिंग वैल्यू, दिख रहा है? हाँ मिसिंग वैल्यू पे मैंने डाल दिया इन्वर्टेड कॉमा, ओपन प्लान, क्लोज ब्लैंक। अब इसको आगे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। अब जैसे अगर 58 डालता हूँ तो ब्लैंक हो जाए, एरर नहीं आए, ठीक है बट ठीक है यहाँ पे सर। आपको सर इफ एरर एक, लगाना पड़ेगा। हाँ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सर, ऊपर जाना एक बार, ना वाले पे, 56 वाले पे। यहाँ पे एरे फॉर्मूला कैसे लगाया आपने? वो आपने आप जब कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारा तो अपने आप एरर फॉर्मूला आ जाता है। ये हम लगाते नहीं, हमने वी लुकअप ही लगाया था, वो अपने आप लिखा हुआ आ जाए, आ हाँ, जाए, आ कंट्रोल शिफ्ट जाए। एंटर मारा तो अपने आप। तो अगर ऊपर वाले पे हमने नहीं मारा था कंट्रोल शिफ्ट एंटर, पुनित जहाँ पे आ रहा है, वहां नहीं आएगा ये फॉर्मूला। कंट्रोल शिफ्ट एंटर क्यों लेंगे हम, जब एक बार में चार एरे पांच के सेलेक्ट लिए, करेंगे एरे तब एरे 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 का जब एरे परफॉर्म, से। हाँ एरे जब परफॉर्म होता है तो, क्योंकि यहाँ करने का मतलब है कि ये तो बोल रहा है ना कि मुझे एक वैल्यू दो, लेकिन आपने एक साथ कई वैल्यू दे दिया ना, एक कई कई वैल्यू परफॉर्म करने के लिए एरे की जरूरत है ना, हाँ तो इसलिए कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट एंटर एंटर करना मारना। ही पड़ेगा। जी हाँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना पड़ता है। कई केसेस तो में बिना ये कंट्रोल शिफ्ट एंटर के ले लेता है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारने से एरे तो मतलब कैलकुलेट कुल होता मिला है। के है कि एरे, अगर सबसे शुरू में अगर इज इक्वल टू एरे फॉर्मूला लिखा है तो उससे कोई लेने देने की बात नहीं है, वो अपने आप का जनरेशन जी है, अपना जी वी लुकअप ही है वो, यही ना। जी जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब आप कीजिए वी लुकअप पे प्रैक्टिस, क्योंकि आगे है आपका वी लुकअप पे और सारे ट्रिक्स है, तो ट्रिक्स हम कल करेंगे इसको हाँ, बस बढ़िया से, आज इतना क्योंकि बहुत है। आपने वी लुकअप को जनरली बस पढ़ा है, लेकिन इसमें जैसे देखिए मैंने एक कॉलम वाला पार्ट ले लिया, इसमें मैंने कॉलम का फॉर्मूला ले लिया, एरे ले लिया, उसके अलावा फिर हमने मैच के वो साथ मैं सारा में करूंगा, इसको आप एक्स 156 लुकअप। कर दीजिए, ठीक है सर। ठीक, बाकी आपने मेरे को शेयर कर दिया सर, ठीक हाँ जी, शेयर कर दिया। है, कोई नहीं, मैं कर लूंगा सर, आपको मैं इसको करूंगा, ठीक है सर। ठीक है, अच्छा मैं एडिटर कर देता ठीक, हूँ, एडिटर ने सेव नहीं किया, माफ हाँ कीजिए। एडिटर दीजिए सर, एडिटर है, एडिटर ही। ठीक है, मिलते हैं। हाँ अच्छा, आपने यही भेज दिया क्या मेरे को? अच्छा और ये फाइल दे दिया। ठीक है, डन, व्हाट्सएप पे किया ना, ठीक है, बढ़िया, ठीक ठीक, चलिए। है सर, ठीक है सर।